हेलो फूडीज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ईट ब्लॉग एंड रिपीट पे स्वागत है। आप सोच रहे हो कि आज ऐसे क्यों इंट्रो और ऐसे क्यों चालू किया? जी हाँ, क्योंकि आज हम अहमदाबाद टू गांधीनगर स्पेशल एक आइसक्रीम खाने जाने वाले हैं और नाम मैं चलो आपको बता देता हूँ, उसका नाम है तृप्ति का आइसक्रीम और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चले अभी हम इधर अहमदाबाद से गांधीनगर जाते हैं और इधर से अहमदाबाद से गांधीनगर का जो रास्ता है वो मेरे घर से 30 किलोमीटर का है और तकरीबन मेरे को 45 मिनट्स लगेंगे। और मैं अभी, जैसा कि आप टाइम देख सकते हो, अभी हुआ है 8:30 बजे, तो मैं अभी रात को निकला हूँ और अहमदाबाद में 10 बजे लॉकडाउन भी हो जाता है। तो अभी हम चलिए फटाफट से इधर से निकलते हैं और फिर वहाँ जाके और फिर आपको वहाँ का एम्बियंस दिखाते हैं और फिर क्या वाकई में, जैसे कि मेरे दोस्त लोग ने और सबने बताया था कि वहाँ बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम मिलता है, तो क्या हमारा जो इधर से जाने का जो खर्चा है वो जस्टिफाई हो जाता है कि नहीं? चले तो फिर अभी हम बिना किसी देरी के पहले वहाँ जाते हो और फिर आपको सबसे पहले उनका दिखाते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, बहुत सारे जन मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भैया किस बात की देरी है? सब्सक्राइब कर दो, हमें भी खुशी मिलेगी और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चले तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये इनका मेन्यू है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आइसक्रीम ये लोग सर्व करते हैं और ये इनके बाजू में इनका प्राइस भी लिखा है। यहाँ टोकन सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ हमको अपना ऑर्डर देना है और फिर वो लोग टोकन देंगे और फिर इधर से ये टोकन नंबर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिंग आइसक्रीम है और जैसा कि आप देख सकते हो इनके यहाँ गोल्ड डी 601 रुपये का आइसक्रीम मिलता है। क्या आपने इतना महंगा आइसक्रीम कभी खाया है? आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। और हमने जो आइसक्रीम ऑर्डर किया है वो ये चॉकलेट सफारी जो 130 रुपये का है और फिर अभी हमने ऑर्डर दिया है, फिर हमने इन्होंने टोकन भी दिया है। अभी आएगा तब आपको टेस्ट बताएगा कि क्या इधर आना वर्थ है कि नहीं। इनके यहाँ लस्सी भी मिलती है और स्पेशल मिल्क शेक भी मिलता है। चलिए, तो अभी हमने जो ऑर्डर किया था उसका नाम था चॉकलेट सफारी, जैसे कि आप देख सकते हो सिंपल प्लेन वेलिना आइसक्रीम है और उनके ऊपर इन्होंने ब्राउनी डाली है, फिर ये वेफर बिस्किट डाला है, फिर चेरी डाली है, ये कैश्यू है और फिर ये बादाम है, उसको ग्रेट करके डाला है और ये ऊपर का चॉकलेट का सिरप है। सो इनका आप जो भी आइसक्रीम लोगे वो वेनिला बेस ही होगा, पर इनकी जो यूनिकनेस है वो इनके ऊपर के टॉपिंग्स में। तो चलिए अभी हम टेस्ट करते हैं, फर्स्ट बाइट लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। और हाँ, हम बाहर इसलिए नहीं खड़े रहे और गाड़ी में इसलिए बैठे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और आज हम 15 जनवरी का है तो इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हमने सोचा कि हम ये आइसक्रीम को गाड़ी में ही टेस्ट करते और आपको फिर टेस्ट बताते और फिर हमारा रिव्यू बताते। अभी ये मेरा फर्स्ट बाइट लेता हूँ। ये प्लेन, जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्लेन वेनिला आइसक्रीम है, उसके ऊपर इन्होंने चॉकलेट का सिरप डाला है और इनके आप जो भी आइसक्रीम लोगे इनके आइसक्रीम 70 या 60 रुपीज़ से चालू हो गए और पूरे 601 रुपये तक जाता है, पर सभी में ये वेनिला ही डालते हैं और उसके ऊपर टॉपिंग्स का इनका जो करामत है वो टॉपिंग्स का। चलो मैं फर्स्ट बाइट लेता हूँ। तो जो वेनिला आइसक्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, जो नॉर्मल वेनिला आइसक्रीम हम खाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि अपने हम जो गांव में जो वो कोठी वाला आइसक्रीम नहीं खाते थे, बस सेम वैसा ही ये वेनिला आइसक्रीम है। अभी हम इनकी हम ये ब्राउनी को टेस्ट करते हैं। वाओ, ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ब्राउनी बहुत ही बढ़िया है और ये इनकी चेरी। चलिए अभी मैं इनको ख़त्म करता हूँ
और फिर लास्ट में आपको रिव्यू देता हूँ। चलिए तो अभी हमारा फाइनल रिव्यू देते हैं। इधर हमने जो आइसक्रीम मंगवाया उनका नाम था चॉकलेट सफारी और वो 130 रुपीज़ का था और काफ़ी बढ़िया था। और अगर आप एक डेजर्ट लवर और आपको आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप ज़रूर वन टाइम ये शॉप को ज़रूर विजिट करें और इधर आना ज़रूर वर्थ होगा। और हाँ, इनका जो पूरा मेकिंग था वो तो इन्होंने मेरे को मना किया कि हम किसी को भी हमारा मेकिंग नहीं दिखाते, पर उन्होंने ऐसा बोला कि हम सब वेनिला के आइसक्रीम के ऊपर ही सब टॉपिंग डाल के सब हमारा आइसक्रीम वैसे रेडी करते हैं। तो अगर आप इनके कोई भी फ्लेवर लो, बीच में जो आइसक्रीम रहेगा वो तो इनका वेनिला ही रहेगा, तो वो इनका प्लस पॉइंट है। और इनका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया था पर उन्होंने स्वीट नोट था, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़रूर इधर आके एक बार ट्राई कर सकते हो, वरना इनके जो टॉपिंग के उनके तो पूरे 100 नंबर हैं। तो चलिए तो फिर अभी हम हमारी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मेरी आई बटन में भी हमने इस चैनल पे 7 वीडियो और डाल दिए और 2 व्लॉग वीडियो भी डाल दिए, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। चलो तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय।